नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरजे जी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे जो कि राजस्थान जीके के जो कि 30 अति महत्वपूर्ण जो कि प्रश्नों की जो कि सीरीज है उसकी पार्ट 3 आज हम देखेंगे, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख रहे थे। कौन से क्वेश्चन? एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन हम देख रहे थे दोस्तों, वन लाइनर वो आज देखेंगे तीसरा पार्ट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर ले, शेयर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको मिलती रही। तो दोस्तों बिना किसी विलंब किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जिसमें राजस्थान की जो कि लोहड़ी काशी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध, राजस्थान की लोहड़ी काशी के नाम से कौन सा जिला हो जाएगा, राजस्थान लोहड़ी काशी तो बांसवाड़ा हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? बांसवाड़ा को प्रसिद्ध है। राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़ जिले को कहते हैं। कौन से जिले को कहते हैं? प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 2008 को। कौन से जनवरी? 26 जनवरी 2008 को किसने जो कि मुख्यमंत्री उस समय कौन था? सीएम वसुंधरा राजे थी। कौन था? वसुंधरा राजे ने इस दिन घोषणा की थी, वसुंधरा राजे ने। तो दोस्तों अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, कांठल के नाम से किस जिले को जाना था? कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता? प्रतापगढ़ जो जिला, इसे कांठल प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? कांठल प्रदेश भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव किस कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का गौरव जिला की बात करें तो कौन सा जाए? चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान का गौरव कहलाता है। अगर राजस्थान का गौरव जिला नहीं पूछे तो राजस्थान का गौरव आ जाए तो राजस्थान का गौरव किसे कहते? खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं। किसे कहते? खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा कौन सा? गोडाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन, राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब बात करें दोस्तों इसको कब दर्जा दिया गया? तो 1981 के अंदर इसको गोडाउन को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्यों आगे चलते हैं दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? यह जाएगा केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर के स्थित है। ऊँट के गले में जो कि आभूषण क्या कहलाता है? जो ऊँट के गले में आभूषण होता है उसे कौन सा आभूषण कहते हैं दोस्तों? उसे गौरबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कौन सा आभूषण कहते हैं? उसे गौरबंद उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के जो कि 24 जिले नए जिले प्रस्तावित किस कमेटी की, जो कि 24 जिले थे उसमें जो जिले प्रस्तावित किस कमेटी के, किस कमेटी की सिफारिश पर नए जिले प्रस्तावित किए दोस्तों? जो जी ए संधू कमेटी। कौन से? जी ए संधू कमेटी की सिफारिश पर नए जिले प्रस्तावित किए थे। इसमें राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर दोस्तों हो जाएगा। इसके अंदर कितने जिले आते हैं दोस्तों? 4 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से हो जाएगा दोस्तों? अजमेर एक हो जाएगा, नागौर एक हो जाएगा, नागौर एक हो जाएगा, टोंक और एक हो जाएगा भीलवाड़ा। 4 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ये 4 जिले इसके अंदर हो जाएंगे। कौन से जिले हो जाएंगे इस दोस्तों? इसमें थोड़ा सा दोस्तों इसमें त्रुटि हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, सुनना चाहूँगा। राजस्थान के राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान के राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जयपुर के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊँट का वैज्ञानिक नाम केमली नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, हो जाएगा केमिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमेलस हो जाएगा, केमिलस हो जाएगा। इसको कब दर्जा दिया गया ऊँट को? राज्य पशु का 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसे राज्य विरासत पशु का दर्जा दिया गया 2014 में। राज्य में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर जिले में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं, रेगिस्तान के अंदर। ऊँट की से कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है? तो सबसे ज़्यादा सुंदर की बात करें तो ऊँट की नस्ल कौन सी हो जाएगा? नाचना ऊँट, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बाड़मेर का प्रसिद्ध। इसे बीएसएफ के जवान इसे इस ऊँट को रखते हैं। कौन से जवान? बीएसएफ के। राजस्थान के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों? सन 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं कि राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किस जिले को राजस्थान की अभ्रक नगरी कहते हैं? तो राजस्थान की अभ्रक नगरी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? राजस्थान का अभ्रक भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और क्या कहते हैं दोस्तों? इसे भीलवाड़ा का राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसे कहा था। क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है। इसकी मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है। इसे वस्त्र सर्वाधिक वस्त्र नगरी भी इसे भीलवाड़ा को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जो आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा हो गया। आधुनिक मैनचेस्टर की बात करते हैं भिवाड़ी अलवर को
राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? राजस्थान कानपुर कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा संस्थान दोस्तों, जो गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा पिछला, ये रह गया राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोटा को राजस्थान कानपुर कहते हैं। और राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो कोटा को राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी कहते हैं, इसे राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं। ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ग्रेनाइट जालौर को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे दोस्तों ये देखेंगे, गुरु नानक कौन सा नानक, गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है? गुरु नानक संस्थान जयपुर के अंदर आ जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर के अंदर हो जाएगा। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान हो जाएगा बोरुंदा जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान हो जाएगा। कला संस्थान कहाँ स्थित है दोस्त? कला संस्थान जयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित? संगीत भारती बीकानेर के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बीकानेर के अंदर संगीत भारती संस्थान हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, जो कि राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर, मैंने पिछली बार वीडियो के अंदर बता दिया था कि मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा जिले को कहते हैं। और नवीनतम मैनचेस्टर की बात करें, कौन सा नवीनतम मैनचेस्टर की बात करें तो किसे कहते? भिवाड़ी को कहते हैं। क्या कहते हैं? भिवाड़ी कहाँ पड़ता है ये? भिवाड़ी अलवर को। कहाँ? अलवर को नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के तालाबों व बांधों वाला जिला किसे कहते हैं? ये भी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तालाब बांध कहाँ पाए जाते? भीलवाड़े में। राजस्थान के किस जिले को सुवर्णगिरी कहते हैं? सुवर्णगिरी जालौर को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जालौर को। स्वर्ण नगरी बात करें, स्वर्ण नगरी किसे कहेंगे? स्वर्ण नगरी कहेंगे जैसलमेर को। किसे कहते हैं? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहेंगे। और सूर्य नगरी की बात करें, सूर्य नगरी किसे कहेंगे? सूर्य नगरी जोधपुर को कहेंगे। किसे कहेंगे? सूर्य नगरी जोधपुर को सूर्य नगरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब की बात करें तो हो जाएगा सांचौर जालौर। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का पंजाब किसे कहेंगे? जो सांचौर जालौर, कौन सा? सांचौर जालौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। यहाँ पर पांच नदियाँ मिलती है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल हो जाएगा। राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा जयपुर के अंदर राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी वीडियो को अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।